नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अहलावत आज के इस एनएलपी की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज वर्ल्ड वाइड एनएलपी को प्रयोग किया जा रहा है और हजारों नहीं लाखों लोग अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे चुके हैं एनएलपी के थ्रू। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर चुके हैं अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए, खूब सारे धन दौलत कमाने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए और एक बेहतरीन जीवन जीने, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आप भी इस एनएलपी की टेक्निक्स को सीखकर अपने जीवन को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी फुल पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी मेमोरी पे काम कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने अन इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं कुलदीप अहलावत पिछले कुछ वर्षों से हजारों लोगों को एनएलपी की टेक्निक्स के थ्रू उन लाभ पहुंचा चुका हूं। अब आपकी बारी है। यदि आप भी अपने सबको आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। फाइव सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। ब्रेन उसको एज इट इज सेव नहीं करेगा, उसमें उसका एक फिल्टर सिस्टम काम करता है। कुछ चीजों को वो डिलीट कर देता है, डिस्टोर्ट कर देता है, जनरलाइज कर देता है। फिर मुश्किल से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में सेव होती है, और जैसी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में सेव होती है वो एक स्टेट ऑफ माइंड को जन्म देती है जिसको हम आम आदमी मूड कहते हैं। या तो वो हमारे मूड को अच्छा करेगी या फिर नेगेटिव करेगी। साइकोलॉजी की भाषा में या तो वो हमारे मूड हमें रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर जाएगी या फिर हमें अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेकर जाएगी। हम कैसे भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, हम कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। और जैसे हम एक्शन लेंगे वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यदि आप भी एक डिजायर्ड लाइफ चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा हों, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कमांड्स देनी होंगी। तो आइए उसी की मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूं कि एज इफ का आप प्रयोग कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, टुगेदर अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को विकसित करने के लिए, प्लेफुल जोन में जाने के लिए, अपनी किसी भी अक्षमता को बढ़ाने के लिए। तो चार स्टेप है एज इफ के, आइए उनको समझते हैं कि कौन कौन से चार स्टेप हैं जिनके थ्रू हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में बदल सकते हैं। तो पहला है फिजियोलॉजी पे हमें काम करना है। हम मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। पूरी बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं। हमें एक चींटी भी काटती है, मच्छर काटता है, तो हमें उसका पता हमारे सबको पता चल जाता है। तो चार स्टेप रहेंगे अपनी एजिस की टेक्निक के। पहला रहेगा आपका ब्रीदिंग पैटर्न। आपको देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज को सिद्ध किया है कि जैसे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चलता है वैसा ही हमारे अंदर एक हम कह सकते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स उसी तरह कम्युनिकेट करके वैसा ही हमारी बॉडी और माइंड के लेवल पर रिएक्ट करवाते हैं। आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। जब आप लविंग फील करते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग तरीके से चलता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो अलग लेवल से चलता है। तो दूसरा जो इसमें है वो है पोश्चर। आप कैसे अपने पोश्चर को चेंज करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। तो चार स्टेप के थ्रू हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। जब भी आपका नेगेटिव मूड हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे आप। जब भी आप डल फील करें तो आप अपने आप की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अच्छी सेहत को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन के लिए आप एज इफ की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो पहला पोस्चर, जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप हमारा रहेगा वो है ब्रीदिंग। मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज को सिद्ध किया है, जैसा ब्रीदिंग पैटर्न हमारा चलता है वैसा ही हम महसूस करते हैं। यदि आप लविंग महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपका ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो एक अलग ढंग से चलता है। और आप जब नेगेटिव होते हैं, गुस्से में होते हैं, कंफ्यूजिंग की स्टेट में होते हैं, तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिफरेंट चलता है। तो आप लंबी गहरी सांस का ब्रीदिंग पैटर्न अपनाएं तो आप स्वस्थ महसूस करेंगे। दूसरा जो चीज है वो हमारी फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी को पता है कि हम स्वस्थ होते तो कैसे हमें चलना है, उठना है, बैठना है, तो वो वैसे ही बिहेवियर करने लगती है। तीसरा जो स्टेप है फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे चेहरे की 80 मसल्स हमें सब कुछ बता देती है। जैसे का आपने भी सुना होगा इस कहावत को कि चेहरा हमारा आईना होता है। जैसा हम महसूस करते हैं हमारा हमारे चेहरे से हमें उस व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है। तो हमारे चेहरे की 80 मसल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सबसे नजदीक हैं, तो उनको लगातार आप क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर
आता है फोर्थ स्टेप, इंटरनल वॉइस, आपकी इनर वॉइस, मतलब आपकी सेल्फ टॉक क्या है अपने से। तो इस तरह से आप अपनी फिजियोलॉजी को अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर जा सकते हैं। तो आइए उसी का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको करवाता हूं। आप किसी चीज, जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज के लिए एजिव को यूज करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वेलनेस के लिए, डिलाइटफुलनेस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। तो आइए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। हम जो इस टेक्निक का यूज करेंगे वो करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अच्छी सेहत और लंबी उम्र के। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको हम करेंगे। अपने जीवन के उस समय में जाएं जब आप सर्वाधिक हेल्दी फील कर रहे थे अपने आप को। वो स्कूल के डेज हो सकते हैं, कॉलेज के डेज हो सकते हैं, या जीवन का कोई भी समय जिस समय आप सर्वाधिक अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे थे। देखें अपने सुंदर चेहरे को, कैसे आप कुछ भी खा पी लेते, मस्ती में जीते थे। उन्हीं भावना हेल्थ की फीलिंग के साथ वर्तमान समय में आए और देखें अपने आप से कहें, आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग ब्यूटीफुल नाउ। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग नाउ। आपके 60 ट्रिलियन सेल्स को आप यही मैसेज दे रहे हैं, आई एम फीलिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग ब्यूटीफुल नाउ। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स में यही मैसेज जा रहा है, आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग ब्यूटीफुल नाउ। आपकी इंटरनल डायलॉग भी यही चल रहा है, आई एम फीलिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग ब्यूटीफुल। मेरे साथ रिवाइज करें इस चीज को, आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। मानो आपके शरीर के एक एक ऑर्गन से यही आवाज आ रही है, आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड आई एम फीलिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम फीलिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। मानो आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स इसी मैसेज को लेकर अब जीना स्टार्ट करेंगी, इसी मोमेंट से। 80 बिलियन न्यूरॉन्स की यही प्रोग्रामिंग हो रही है, आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। देखिए पूरे बॉडी में यही ट्रेवल हो रहा है, आपके हाथों की सेल्स, पैरों की सेल्स, आपके शरीर के एक एक ऑर्गन से यही आवाज आ रही है, वी आर बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। 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 आप मन में बोले, अब मैं आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। शांत हो जाए, पूरी बॉडी में यही आवाज गूंज रही, आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। देखें अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ होकर जीते हुए। जब आप सुबह उठते हैं तो कितना ऊर्जावान होकर उठते हैं, कितना अच्छा आप महसूस करते हैं। पूरे दिन सुबह उठते ही आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, डोफामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी, आपकी ग्लैंड्स पर्याप्त मात्रा में रिलीज करने लगी। वो एक्टिविटी करते हुए देखो जिसको करके आपको अच्छा महसूस होता है शरीर के लेवल पर। हो सकता है सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, घर का काम, अन्य किसी व्यक्ति की मदद, किसी से बात करके। नाउ योर सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर गेटिंग प्रोग्राम फॉर लॉन्ग एज। आप देखें अपना ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज, डे बाय डे योर लाइफ इज बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल नाउ। आपके 60 ट्रिलियन सेल्स में यही मैसेज आ रहा है लगातार, 80 बिलियन न्यूरॉन्स में, यू आर बिकमिंग मोर हेल्दी एनर्जेटिक यंग ब्यूटीफुल। योर लाइफ इज बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल। यू आर फीलिंग एनर्जेटिक होल डे। यू आर फीलिंग हैप्पी होल डे। फील इट इन हेल्दी। आप बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं। इस हेल्दी की फीलिंग्स को कोई कलर दें, व्हाइट कलर आप दे सकते हैं। मानो ये व्हाइट कलर रूपी फीलिंग हेल्थ की पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही है। एंड यू आर फीलिंग मोर हेल्दी, मोर गुड, मोर हैप्पी। फील इट, आप डीप रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं, गहन शांति को महसूस कर रहे हैं।
बने रहें कुछ पल इन मोमेंट्स में। ओ एक दो लंबी और गहरी सांस लें। हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लें। दोनों हाथों को फोल्ड कर परमात्मा को धन्यवाद दें। दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे को सहला लें। मैं कुलदीप अहलावत आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए इस टेक्निक को 21 डेज तक कंटिन्यू करें। यह आपके न्यूरॉन्स और सेल्स को डीप डाउन प्रोग्राम करेगी, जिससे आप लंबी उम्र को उपलब्ध होंगे। आपकी हैबिट्स पॉजिटिव हैबिट्स में कन्वर्ट होंगी। गुड फूड हैबिट्स आपकी डेवलप होंगी और आपका दिनचर्या पूरी ऐसी बन जाएगी। आप बहुत चूजी हो जाएंगे खाने के मामले में, पीने के मामले में, और वो चीजें आप खाने लगेंगे जो सेहतमंद हैं। अपने आप आपकी ऐसी हैबिट्स जंक फूड खाने की या अनहेल्दी फूड खाने की अपने आप छूट जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो। थैंक यू।